हेलो, आज स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम मैं दो बबन बिल्लिया की बेल्स लेके आया हूँ। आज इनको रिपोर्ट करेंगे अपने, तो रिपोर्ट से संबंधित मैं आपको पहले बता देता हूँ भी ये अपने पास दो पोर्ट लिए हैं। इन दो पोर्ट के अंदर होल होना ज़रूरी है, वो अपने करक है। और इसके ऊपर ये जो ठीकरी है मटके की, ये हमेशा उल्टी साइड से रखेंगे। ये अपने पास वर्मी कंपोस्ट है, बिल्कुल प्योर वर्मी कंपोस्ट। और इसके साथ ये नीम की पत्तियाँ, बड़ की पत्तियाँ, और इसके साथ ये मेरे पास बड़ के पेड़ के नीचे की लाई हुई मिट्टी है, जो बहुत ही पौष्टिक है। इसके अलावा ये केले के छिलके हैं, जो कि इसको फ्लोवरिंग के लिए बढ़िया काम करेंगे। तो अब हम दोस्तों इसको शुरू करते हैं। दोस्तों ये अपने पास मिट्टी बना रहे हैं बोगनवेलिया के लिए। तो अपने पास ये गार्डन सोइल है, और ये अपने पास वर्मी कंपोस्ट है। 30% वर्मी कंपोस्ट ली है, और ये अपने पास गार्डन सोइल, और ये केले के छिलके हैं। फ्लोवरिंग के लिए सबसे बढ़िया फर्टिलाइज़र है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। और ये कुछ नीम की पत्तियां हैं, और इसके साथ कुछ बड़ की और पीपल की पत्तियाँ हैं, क्रैश की हुई हैं। अपने सबसे नीचे नीचे अपने थोड़ी सी गार्डन सोइल डालते हैं। इसके बाद अपने इसके अंदर थोड़ी नीम की पत्तियाँ और बड़ की पत्तियाँ हैं, जो नीचे नीचे अपने डालेंगे, ताकि ये बाद में डिकम्पोज हो जाएगी और बढ़िया अपने खाद का काम करेगी। इसे ना फंगस लगेगा, ना अन्य कोई फंगीसाइड का अपने को यूज़ करना नहीं पड़ेगा। अब अपने इसको खाद को मिक्स कर लेते हैं। अब अपने नीचे ये जो केले के छिलके हैं, ये थोड़े थोड़े केले के छिलके डाल देते हैं। थोड़ी मिट्टी डालते हैं। अपने ये वाइट कलर की बोगनवेलिया है, इसको अपने इसमें देखो रूटिंग हुई हुई है। ऊपर से अपने कुछ मिट्टी उतार देते हैं। इसको पॉट में शिफ्ट कर देते हैं और चारों तरफ मिट्टी डाल देते हैं। एक बार इसको छोटे पॉट में शिफ्ट किया है, जैसे ही थोड़ी सी ग्रोथ कर जाएगी फिर इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे। अच्छी तरह से इसको दबा देना है, इसके अंदर एयर बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट है, एप्सम सॉल्ट। अब अपने इसको एक चम्मच के आसपास अपने पानी में डालते हैं और पानी को मिक्स करते हैं। इससे क्या होगा कि अपने पौधे शोक में जा नहीं जाएंगे। अगर इनकी रूट्स कुछ डैमेज भी हुई है तो पौधा बिल्कुल भी शोक में नहीं जाएगा। इसको फर्स्ट बार जब अपने पानी देते हैं, तो ये पहला पानी जो है एप्सम सॉल्ट डाल के एक चम्मच डाल दिया। अब इसे एक चम्मच डाल के अपने इनको वाटरिंग कर देते हैं।
इसको एक बार पूरा पानी देना है। अगला पानी अपने तभी देंगे जब ये ऊपर से ड्राई हो जाएगी मिट्टी इसकी। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो जल्दी आपको देंगे। थैंक्स।